केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति आई वृंदावन। रविवार को चैतन्य विहार स्थित वामदेव ज्योतिर्मठ में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री। आश्रम में गौ माता का पूजन व गुड़ खिलाकर लिया आशीर्वाद। पत्रकारों से भी रूबरू हुई केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति। चार राज्यों में भाजपा की जीत पर जताई खुशी। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा, भाजपा ने काम के बल पर हासिल की है जीत, विपक्षी दलों पर निशाना भी साधा। देखिए मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। होली प्रारंभ हो जाएगी और वो होली प्रारंभ भी हो चुकी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमें विश्वास था क्योंकि हमने 2014 के बाद से काम किया है, उस गरीब के घर में रोशनी पहुंचाई जो दीपक मिट्टी का तेल भी नहीं नसीब होता था। उस गरीब को हमने छत दिया जो बरसात या बरसात गर्मी में तड़पता था और देखता था मेरे भी कभी पक्की छत होगी। इस कोविड के समय पर जिसको लोगों ने बहुत मजाक बनाया, उस समय संकट के समय पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोविड प्रभावित होने के बाद भी गरीबों के घरों में राशन पहुंचाने का, जो दूसरी लहर आई उसमें घर घर राशन के साथ दवाइयां तक पहुंचाने का काम किया। जिस तरह से इन चारों राज्यों में जीत हुई है ये काम के बल पर और माननीय प्रधानमंत्री योगी मोदी के विश्वास को जनता ने कायम रखा है। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि लोगों ने बहुत गुमराह करने की कोशिश की, कोई बीच में जिन्ना ले आया, पाकिस्तान ले आया, जातिवाद ले आया, किसानों का मुद्दा खड़ा कर दिया। उनके मुझे लग रहा है कि अब इसमें सबक लेनी चाहिए कि राजनीति विकास से होगी, नारों से नहीं चलेगी। और भारतीय जनता पार्टी का जो नारा था, जो हमारा मैनिफेस्टो था, उसके आधार पर हमने काम किया है। 370 धारा जैसी समस्या का एक सहजता में समाधान करना ये मोदी जी के अलावा किसी के बस में नहीं था। बार बार अखिलेश जी कह रहे थे कि मतलब जो योगी जी तो मठ में जाएंगे, लेकिन अभी ये चले जहाँ जाना हो वो चले जाए। योगी जी को जनता ने पुनः बैठाया है और इतिहास बदला है। कांग्रेस की शासन जब कभी हुआ करता था तब दोबारा उनके मुख्यमंत्री बनते होंगे, लेकिन बहुत दिनों के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने। और इनके तो टुटका टोने भी कि नोएडा नहीं जाएंगे, नहीं मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, इनके पिता भी नहीं गए, खुद नहीं गए, तो ये टुटका टोने वाले लोग हैं। राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया है, कॉरिडोर बन चुका है काशी में, लेकिन मथुरा की बारी मतलब कब होगी? तो मथुरा की बारी तो है ही है, तो नारा ही था हमारा कि तीनों लेंगे एक साथ। तो ये तो खुशी है कि कम से कम सहजता में, जन लोग कहते थे राम मंदिर पे छेड़ा जाएगा तो बड़ा बवाल होगा, जनता ने उसको सहज में स्वीकार किया। हम माननीय न्यायालय के आधार पर हम काम कर रहे हैं। और मैं इतना कहना चाहती हूँ कि जनता के विचार, जनता की जो मानसिकता है, जनता के लिए जो चाहिए, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने फोकस करके काम किया है। हमारा जहाँ पंडित दीनदयाल जी का अंत्योदय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का राष्ट्रवाद और इस देश की जो मूलधार